महीने में ही भीषण गर्मी दस्तक दे चुकी है। देश के कई हिस्सों में पारा भी से 40 डिग्री के ऊपर चला गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में प्रशासन ने भीषण गर्मी और धूप में स्कूल जा रहे बच्चों को राहत दी है। दरअसल सोनभद्र में ज्यादातर स्कूलों की छुट्टी दोपहर 2 बजे तक हो रही थी। ऐसे में बच्चे घर जाते वक्त भीषण गर्मी और लू का सामना कर रहे थे, जिससे उनके बीमार पड़ने का खतरा बढ़ती गर्मी के साथ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अभिभावक भी स्कूल की टाइमिंग में बदलाव की मांग कर रहे थे, जिससे वे अपने बच्चे और खुद को तपती गर्मी से बचा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने जनपद में सभी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव करने का फैसला किया। अब स्कूलों का नया समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। धूप बहुत तगड़ा हो रहा है, धूप बढ़ता जा रहा है और टाइमिंग कम हो रहा है। धूप बहुत तगड़ा है, बच्चों को परेशानी होती है इसमें, बहुत तगड़ा परेशानी है, धूप हो रहा है, तापमान बढ़ता है। क्या मांग कर रहे हैं आप इसमें? हम यही चाहेंगे कि थोड़ा टाइमिंग कम हो जाए तो ठीक रहेगा जी। बच्चों को ले जाने में दिक्कत भी नहीं होगा। इसके संबंध में विभाग की तरफ से भी दिशा निर्देश प्राप्त है, जैसे पानी की विशेष व्यवस्था हो, विद्यालयों में पंखे इत्यादि दुरुस्त रहें, बच्चों को गर्मी से बचाया जा सके, कपड़े पूरे पहने। इसके साथ साथ जो है आज हमारे शिक्षा निदेशक महोदय का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें विद्यालय के समय परिवर्तन का भी निर्देश दिया गया है और विद्यालयों का समय 7:30 से 1 बजे करने हेतु निर्देश प्राप्त है। तो आज इस संबंध में जनपद के समस्त विद्यालयों को निर्देशित कर दिया जाएगा।